परम पूज गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्प कीर्ति प्रणेताचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज एवं अंतर्मना साधना महोदधि आचार्य प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्वानों से मैं नमन करता हूँ, मेरा प्रेम स्वीकार करें। गणनी आर्का शारदावती माता जी का नाम जाना पहचाना नाम, सभी के जैसे ही नाम लेते हैं तो आचार्य विमल सागर जी महाराज के साथ उपाध्याय श्री भरत सागर जी महाराज की वो जोड़ी और उसके बाद फिर आचार्य भरत सागर जी महाराज के साथ गणनी आर्का शारदावती माता जी की सेवा वो अदिति अनुपम है और समाज को आज भी प्रेरणा देने का काम करती है। अब वर्तमान में गणनी आर्का शारदावती माता जी नहीं है, लेकिन यदि उनकी झलक देखनी है तो हम आर्का रत्न यशस्विनी माता जी के में देख सकते हैं। पूरे वही संस्कार उन्होंने उस जीवन को माता जी के निकट रह के जिया, वही उनकी शैली सब कुछ अगर झलकता है तो हमें लगता है शारदावती माता जी दूर नहीं है। यशस्विनी माता जी को देखो, आपको शारदावती माता जी की पूरी शैली, पूरा लय, पूरी चर्या उसी तरह से मिल जाएगी। वर्णी आकर शारदावती माता जी का अनन्य उपकार है। उन्होंने आचार्य विमल सागर जी महाराज की स्वर्णिम महोत्सव जब मनाया गया था 72-75, उस समय शास्त्र ग्रंथ निकाले गए थे, समस्त ग्रंथों का संपादन संकलन उनके माध्यम से हुआ और उन्होंने जैन जगत के समस्त साधुओं के लिए विमल भक्ति संग्रह किताब को निकाल करके एक अद्वितीय कार्य किया है। ये किताब हर साधु के लिए उसके कृति कर्म को करने के लिए, पूरा करने के लिए सहायक सिद्ध है। साधु बनना आसान है, लेकिन साधु बनने के बाद हमको क्या करना चाहिए? हमने दीक्षा तो ली, लेकिन दीक्षा लेके हम इस मार्ग को कैसे तय करें? यह विमल भक्ति संग्रह उसके मार्ग को तय करने में पूर्ण रूप से सहायक है। जितने भी साधु दिगंबर जैन साधु हैं उन सब के लिए ये उपयोगी है। मैं तो ये कहता हूँ न केवल साधुओं के लिए, बल्कि जो श्रेष्ठ श्रावक हैं, जो इस मार्ग पर आगे चलना चाहते हैं, उन्हें भी एक बार इस पुस्तिका का अवलोकन जरूर करना चाहिए। अपने आप में महत्वपूर्ण है, आखिर इसमें है क्या? भक्तियां हैं, भक्ति के माध्यम से व्यक्ति संसार से पार हो सकता है।